हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से 33 करोड़ देवी देवताओं में सूर्य देवता एक स्ट्रॉन्ग देवता माने जाते हैं, जो मकर संक्रांति में अपनी राशि से मकर राशि में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्दी के समाप्त होने की शुरुआत हो जाती है। और किसी भी चीज की शुरुआत, चाहे वो समाप्ति की हो, वो एक स्ट्रॉन्गनेस के साथ होती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन काफी ठंडा दिन माना जाता है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि, और इस दिन को हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से कुछ बदलकर तरीकों से मनाया जाता है। संक्रांति मनाने के लिए इसमें चावल को उड़द की दाल, पानी, हल्दी और नमक के साथ पकाकर गुड़, घी और दही के साथ खाया जाता है, जो बहुत हेल्दी भी होता है। और इस बदलते मौसम में, सर्दी से थोड़ा सा कम सर्दी की ओर जाते हुए मौसम में, हमारे लिए हेल्दी भी होता है। पोंगल में चावल को दूध और चीनी के साथ पकाकर खाया जाता है। हमारा देश किसानों का देश है और किसान को खेती के लिए गाय की बहुत मदद चाहिए होती है। गाय हमारे बहुत काम आती है, इसलिए गाय की भी पूजा की जाती है, उसे स्पेशल फूड खिलाया जाता है। तो इस तरह से एक ही दिन को हम अपने अपने एनवायरनमेंट की अकॉर्डिंग अलग अलग तरीकों से अलग अलग नामों से मनाते हैं। यही हमारे देश की एकता का प्रतीक है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप कीजिए इसको लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।